हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? वेलकम बैक। पार्ट थ्री के अंदर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स जो हमारा चैप्टर चल ही रहा है। पार्ट टू के अंदर हमने जो बताया था कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एसिड बेस के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, एसिड बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्शंस करते हैं। आज हम बात करेंगे कि एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं, एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्शंस को करते हैं। देखो, लास्ट फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने बताया था कि एसिड्स, जैसे HCl बताया था, सल्फ्यूरिक एसिड हमने डिस्कस करा था, नाइट्रिक एसिड हमने बताया था, इस तरह हमने बेस भी बताए थे, लाइक NaOH, ठीक है, KOH, और भी बहुत सारे बेस हो सकते हैं। पर इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? मान लो इन दोनों की रिएक्शन करते हो, HCl और NaOH की, सोडियम इसका, क्लोरीन इसका, तो क्या बनेगा? NaCl, सोल्ट बना। ये जो सोल्ट बना, ये नमक है जो हमारा डेली लाइफ में यूज होता है, NaCl, और साथ में क्या बनेगा? वाटर। अब बचा क्या बेटा? देखो, इधर से Cl आ गया, इधर से Na आ गया, इधर से H आ गया, इधर से OH आ गया, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर सेम KOH, H2SO4, पोटेशियम, यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड, वहाँ SO4 यहाँ से जाएगा तो क्या बनेगा? K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, और बाहर क्या निकलेगा? वाटर। इसके दो मॉलिक्यूल रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टू मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो रिएक्शंस वैलेंस है, पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर, तो ये क्या बना? सोल्ट बना, साथ में क्या बना? वाटर। तो क्वेश्चन जो हमारा है, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर? तो सिंपल सा आंसर है कि एसिड और बेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड इट मेक या इट प्रोड्यूस सोल्ट एंड वाटर। क्वेश्चन आ जाए, हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विद ईच अदर? आप दोनों रिएक्शंस लिखोगे, कोई भी लिख दो, ऊपर वाली लिख दो, नीचे वाली, और साथ में लिखोगे एंड इट प्रोड्यूस सोल्ट प्लस वाटर। इट प्रोड्यूस सोल्ट प्लस वाटर, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब देखो, आगे यहाँ पर एक एक्टिविटी गिवन है, टेक 6.2 की एक्टिविटी, टेक अबाउट 2 ml डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप ऑफ फिनोक्सेन सोल्यूशन। मतलब ये हमारा इंडिकेटर है। क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द कलर ऑफ सोल्यूशन? हमने कल बताया था कि फिनोक्सेन जो कास्टिक सोडा के साथ कैसा कलर देता है? पिंक कलर देता है बेटा, याद रखना। एसिड के साथ कोई कलर नहीं देता, बेस के साथ पिंक कलर आता है। फिर कहता है ऐड डाइल्यूट HCl टू द अबोव सोल्यूशन ड्रॉप बाई ड्रॉप। कहता है HCl डालना आपने इसमें, HCl, वो भी ड्रॉप बाई ड्रॉप। आपको पता है क्या होने वाला है? यहाँ पर हो रहा है, एसिड और बेस को मिलाया जा रहा है। इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शंस मिक्सचर? हाँ जी, बिल्कुल होगा कलर चेंज। जब एसिड और बेस दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उनका क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पर जो हम बताने जा रहे हैं, जो हमारा जो मेन वर्ड था, जो अब आएगा, इन दोनों को मिलाने से, एसिड और बेस को मिलाने से यहाँ पर जो वर्ड बनता है उसका नाम क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। आपको मिलेगा ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के नाम से मिलेगा, अभी दिखाता हूँ आपको बुक के अंदर। ये देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? जब बेस प्लस एसिड मिल जाते हो सोल्ट प्लस वाटर, दिस रिएक्शन नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। द रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस टू गिव ए सोल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो उसी तरह से एक्टिविटी के अंदर जब हम बेसिक सॉल्यूशन जो पिंक कलर है कास्टिक सोडा में हम डालें एसिड, वो भी ड्रॉप बाई ड्रॉप, तो देखो धीरे धीरे एसिड डाला जा रहा है बेस के अंदर, तो जो पिंक कलर था वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, कलरलेस में कन्वर्ट होगा। कहता है वाई डिड द कलर ऑफ फिनोक्सिलिन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड? क्यों हुआ ऐसा? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। फिर कहता है जब न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा तो कलर चेंज हो चुका है, क्योंकि वो इंडिकेटर एसिड में कलर नहीं देता। अब कलर चेंज हो चुका है, सारा बेस जो था वो सारा का सारा न्यूट्रलाइज हो चुका है। फिर कहता है कि ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH टू अबव मिक्सचर।
दोबारा से जो न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोडक्ट है उसमें आपने बेस डाल दिया, तो व्हाट विल हैपन? क्या फिर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या पिंक कलर दोबारा से आएगा? तो इसका आंसर क्या रहेगा बेटा, यस दोबारा से आएगा। क्यों? अब हमने क्या डाल दिया, बेस, बेस को एक्सेस कर दिया, पहले बेस को न्यूट्रलाइज करा था HCl डालकर, अब थोड़ा बेस और डाल दिया तो कलर चेंज दोबारा से आएगा। व्हाई डू यू थिंक दिस हैज हैपेंड? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ पहले न्यूट्रलाइजेशन हुआ था, बाद में उन्होंने बेस ऐड करके उसका वापस बेस के साथ इंडिकेटर क्या देता है, पिंक कलर देता है। बच्चों ये एक्टिविटी समझ आई आपको अच्छी तरह से? नहीं आई दोबारा से पढ़ना, इस एक्टिविटी को रीड करना और जो आंसर मैंने बताए हैं उनको नोट करना। अब अगर हम अगला टॉपिक की अगर हम बात करें, रिएक्शंस ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड एक्ट को, जो हमारा टॉपिक है 2.1.5 मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। अब मेटेलिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? देखो मेटेलिक ऑक्साइड जो हैं उनका उनकी रिएक्शन करवाई जा रही है किसके साथ, एसिड के साथ। तो जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी तो यहाँ पर जो कॉमन चीज़ क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर तो बनेगा, ये हमारे कॉमन प्रोडक्ट हैं। जब हम एसिड के साथ मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे तो मेटेलिक ऑक्साइड एक्ट एज बेटा बेस, बेस की तरह कहलाएगा। जो एसिड के साथ रिएक्शन कर जाए वो बेस कहलाता है, और जो बेस के साथ कर जाए वो एसिड कहलाता है। तो एसिड की रिएक्शन इसके साथ हुई तो ये इट मीन्स ये एक्ट एज ए बेस और सॉल्ट प्लस वाटर बना। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर अच्छी तरह समझ आएगा आपको। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की अगर आप बात कर लो, कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम मेटल है ऑक्साइड, इसकी अगर आप HCl के साथ रिएक्शन करते हो HCl के साथ तो इट कन्वर्ट इनटू कैल्शियम क्लोराइड बनेगा CaCl2, टू मॉलिक्यूल ले लो इसके और साथ में क्या बनेगा H2। रिएक्शन भी बैलेंस है, प्रोडक्ट भी आपके आ गया, ये सॉल्ट बना और ये वाटर साथ में बना। तो इसका मतलब अब हमने यहाँ पर क्या नोट करना है, मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर बेटा कैसा होता है, बेसिक। मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। कैसा नेचर है, बेसिक नेचर। नोट डाउन कर लेना, मेटेलिक ऑक्साइड काफी बार पेपर में आ चुका है, व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, बेसिक नेचर। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दे रखा है काफी बार, ये भी बोर्ड में पूछा गया। देखो कहता कि यू विल नोटिस दैट कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व। कहता है कॉपर ऑक्साइड जो है वो डिजॉल्व हो जाता है और उसका कलर कैसा था, ब्लू ग्रीन। ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन ए रिएक्शन। द जनरल रिएक्शन बिटवीन ए मेटल ऑक्साइड एंड एसिड कैन बी रिटन। ये जनरल रिएक्शन है, पर इसकी एक्टिविटी कहाँ है, 2.7। कहता कि टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, बेटा टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड को स्मॉल अमाउंट में लेना है बीकर में और उसमें डायल्यूट HCl डालना है, स्लोली डालना है और लगातार उसको स्टीरिंग भी करना, हिलाना भी है। नोट द कलर ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट हैज हैपन टू द कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होगा। देखो बच्चों यहाँ पर जो कलर जो है वो तुमसे पूछा जा सकता है कि एक मेटेलिक ऑक्साइड है कोई, वो मेटेलिक ऑक्साइड सिर्फ नाम मिलेगा उसको, HCl में आपने डिजॉल्व करा और उसने कलर दे दिया ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन कलर उसमें देखने को मिला, बताओ कि वो ब्लू ग्रीन कंपाउंड कौन सा बना। कॉपर ऑक्साइड को जब हम HCl में डालते हैं तो इट कन्वर्ट इनटू कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। तो जो कॉपर क्लोराइड बना है CuCl2 उसका कलर है ब्लू ग्रीन कलर। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड HCl के साथ डाला तो कॉपर क्लोराइड बना, ब्लू ग्रीन कलर है, ये सॉल्ट है एक तरह से, और साथ में क्या बना,
वोटर बना। तो ये वाली दोनों रिएक्शन आप कर सकते हो। और इससे हमें ये कंक्लूजन है, निष्कर्ष ये निकलता है कि मेटेलिक ऑक्साइड एक्ट एज ए बेसिक इन नेचर, एक्ट एज ए बेसिक इन नेचर। ठीक है, ये वाली एक्टिविटी 2.7 का आंसर है कॉपर क्लोराइड बना है, उसका रंग कैसा है, ब्लू ग्रीन कलर रहेगा। इसी तरह से हमने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के बारे में हमने बात करनी है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब वो मेटल ना हो, मतलब ऐसा कंपाउंड जो इसमें मेटल ना हो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है? हो सकता है, कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्साइड हो गया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। इसके अगर हम रिएक्शंस करते हैं किसके साथ, बेस के साथ, बेस हमारा कौन लेते हैं, CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जिसे हमने नाम दिया सिलेक्ट लाइम। ये रिएक्शन पीछे भी आ चुकी है पर 2.1.6 में यहाँ पर कोई इस रिएक्शन का सिर्फ बताया जाता है कि एक्टिविटी 2.5 में हम कर चुके हैं लाइम वाटर में, वो बेस है, सॉल्ट प्लस वाटर को बना के दिखाओ। ठीक है, तो देखो ये वाली रिएक्शन आप यहाँ नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में या किताब पे भी, बुक पे भी आप नोट कर सकते हो। तो इन दोनों की रिएक्शंस करते हैं, इट कन्वर्ट इनटू CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बना था और साथ में क्या बना था, H2O। कैल्शियम कार्बोनेट कैसा कंपाउंड है, वाइट PPT, और ये वाली रिएक्शन हमने बताया था कि CO2 को कन्फर्म भी करती है। थर्ड टाइम्स ये रिएक्शंस आ रही है यहाँ पर, थर्ड टाइम्स, तो इसको अच्छी तरह याद होना चाहिए। देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड CO2 है, बेस के साथ रिएक्शन करी, जिसका मतलब जो बेस के साथ रिएक्शन करेगा वो कंपाउंड क्या बोला जाएगा, एसिड। और वाइट रंग के PPT वो क्या बने हैं, सॉल्ट, साथ में क्या बना बेटा, वाटर बना है। ये पॉइंट सबको क्लियर हुए, तो क्वेश्चंस क्या आएगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। हमें नेचर का पता चलता है कि दे आर एसिडिक इन नेचर। सो एक नंबर का पेपर में आ सकता है CBSE बोर्ड में, व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, एसिडिक। व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, जो लास्ट टॉपिक था, बेसिक। ठीक है, दो टॉपिक है, दो निचोड़ हमने निकाले हैं, मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर है बेसिक, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर है एसिडिक। ठीक है, यहाँ तक समझ आया बेटा। ये होमवर्क है आपके लिए, 3 क्वेश्चंस आपने करने हैं, 1, 2, 3। वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी कैप्ट इन ए ब्रास एंड कॉपर, जो कर्ड होती है वो कॉपर के अंदर क्यों नहीं रखनी चाहिए। और ये दो क्वेश्चंस हैं, ये खुद रीड करना, वैसे ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, जितना अभी तक हुआ उसमें ये चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे एसिड बेस में कॉमन चीज क्या होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें, कोई फीडबैक देना हो तो ज़रूर कुछ ना कुछ लिखकर हमें भेजें, ताकि हम आपको नई वीडियो बनाने के लिए उत्साहित रहें कि आपको समझ आ रहा है। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और इसको आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।